All right guys, the Bullet Thin Light laptop is here with graphics card RTX 2050. The laptop is Asus Vivo Pro 15. Unboxing तो सब करते ही हैं. आज मैं देने वाला हूँ मेरे ही लैपटॉप का after 15 days use. मैंने लैपटॉप 15 days use किया. Unboxing होती रहेगी. अब इसको यूज़ कर इस बता देता हूँ कि इसका यूसेज कैसा है लैपटॉप, खरीदना चाहिए नहीं खरीदना चाहिए. जैसे कि अभी सेल आने वाली है तो आपको ये लैपटॉप खरीदना चाहिए नहीं खरीदना चाहिए, और कितना ये ऑनलाइन अच्छा है या ऑफलाइन अच्छा है. तो सबसे पहले टेक्निकल बातें कर लेते हैं. बात करते हैं इसके प्रोसेसर की. ये प्रोसेसर आता है राइजन 5 5000 सीरीज के साथ, जो कि 5600H विथ 6 कोर 12 थ्रेड्स विथ 16 MB L3 कैच मेमोरी. रैम की बात कर लेते हैं, जो कि है 16 GB DDR4 3200 MHz की रैम. SSD इसमें आती है 512 GB, जो कि M2 NVMe है. ग्राफिक्स कार्ड की बात कर लेते हैं, जो कि स्टार्ट वीडियो की स्टार्टिंग में ही बता दिया गया है, जो कि है RTX 2050. तो बात कर लेते हैं इसके वाईफाई एंड ब्लूटूथ की, जो कि आता है वाईफाई 6 एंड ब्लूटूथ 5. अब बात कर लेते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी की. बिल्ड क्वालिटी जैसे कि आप देख सकते हैं, जो कि मेटेलिक फिनिश के साथ आती है, जो कि काफ़ी प्रीमियम लगता है. प्रो सीरीज की यही खासियत है कि जो प्रीमियमनेस है इसी में मिलती है. इसके बैक में हम देख लेते हैं, जो बैक में आता है, बैक भी इसकी मेटेलिक फिनिश के साथ आती है. यहाँ वेंट्स देख लेते हैं, जो यहाँ वेंट्स दिए गए हैं थर्मल के लिए, ये भी काफ़ी सही हैं. पीछे दो स्पीकर दिए गए हैं, दोनों ही 2 वॉट के हैं, जो कि हार्मन एंड कार्डन ऑडियो क्वालिटी के साथ आते हैं. और इसकी जो कर्व डिज़ाइन है, जो कि प्रो सीरीज में 4 चांद लगा देती है, जो कि काफ़ी प्रीमियम फील देती है, आप देख सकते हैं इसमें. बाकी सीरीज में आपको एक कप डिज़ाइन नहीं मिलती. ये कप डिज़ाइन दी ही इसलिए इसको यूनिक बनाने के लिए. इसका फ्लेक्स चेक कर लेते हैं, जरा सा भी फ्लेक्स नहीं है. इसके कीबोर्ड का फ्लेक्स भी ना के बराबर है. इसके वेट की बात कर लेते हैं, जो कि 1.8 kg है, जो कि बहुत ही थिन लगता है. बिल्कुल भी कैरी करने में कोई दिक्कत नहीं होती. यहाँ जाओ उधर पटको, कुछ भी करो, पटकना नहीं है, बस बढ़िया है. जैसे कि ये बहुत ही थिन लैपटॉप है, लाइट वेट है, तो इसका जो स्क्रीन वॉबलिंग है ना के बराबर है थोड़ा सा, ये इसको कंसीडर नहीं करते, इतना सब में होता है. और ये बहुत ही कम है अकॉर्डिंग टू अदर्स. वेजल्स की बात कर लेते हैं, जो कि बहुत ही थिन मिलने वाले हैं. 86% इसका बॉडी टू स्क्रीन रेशियो है. एक्सपीरियंस इसका इतना शानदार है तो ये प्रो सीरीज, काम भी इसके प्रो वाले हैं, तो वर्किंग में आपको किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं आने वाली. किसी भी तरीके की वर्किंग कर लीजिए, ऑफिस से रिलेटेड, अपने स्टूडियो से रिलेटेड, अपने कॉलेज वर्क से रिलेटेड, किसी भी तरीके की वर्किंग में कोई दिक्कत नहीं आने वाली. कीबोर्ड की बात कर लेते हैं, जो कि फुल साइज बैकलेट चिकलेट कीबोर्ड है, जो कि 1.4 mm के की ट्रेवल के साथ आता है. टाइपिंग की बात कर लेते हैं, टाइपिंग स्टाइल इसमें बिल्कुल ही प्रीमियम देखने को मिलने वाली है. जितनी ज़्यादा इसकी प्रीमियमनेस है ना लैपटॉप की, उतनी ही इसकी टाइपिंग स्पीड भी उतनी ही ये प्रीमियम देने वाला है. इसका जो पावर बटन आता है फिंगरप्रिंट रीडर के साथ ही आता है, अलग से नहीं दिया गया, जो कि इसकी प्रीमियमनेस को बना के रखता है. इधर ही फिंगरप्रिंट है, यूज़ कीजिए, फास्ट वर्क करता है. ट्रैकपैड इसका ग्लास फिनिश के साथ आता है, जो कि इतना स्मूथ काम करता है ना, ये सिर्फ प्रो सीरीज में ही देखने को मिलेगा. जो नॉन प्रो सीरीज है उनमें प्लास्टिक ट्रैकपैड आता है, जो कि नॉर्मल लैपटॉप्स में आता है. इसका ट्रैकपैड आपको इतना स्मूथ मिलेगा, जो कि बाकी के लैपटॉप्स के कंपैरिजन में नहीं मिलने वाला. बात कर लेते हैं अब इसके लेफ्ट साइड पोर्ट्स की. इधर USB 2 पोर्ट दिए गए हैं, जो कि है 2.0 USB. स्पीड इनकी 480 Mbps की है. राइट साइड पोर्ट्स की बात कर लेते हैं, इधर आपको एक चार्जिंग पोर्ट दिया गया है. इधर आपको एक USB 3.2 जनरेशन का पोर्ट दिया गया, जो कि 5 Gbps की स्पीड देता है डेटा ट्रांसफर की. इधर HDMI 1.4 दिया गया है. इधर आपको 3.2 जनरेशन का USB टाइप सी पोर्ट मिल जाता है, जो कि इस लैपटॉप की खासियत है. इधर आपको फास्टेस्ट डेटा ट्रांसफर मिलेगा इस USB टाइप सी के. आजकल तो आप देख रहे हैं iPhone 15 सीरीज से भी टाइप सी आने लगा है, तो बस टाइप सी लगाओ, आपका डेटा ट्रांसफर चार्जिंग सब होने वाला है. अब बात कर लेते हैं इसके डिस्प्ले की. डिस्प्ले आपको 250 निट्स की मिलने वाली, जो कि नॉर्मल यूज इसमें काफ़ी बढ़िया है, लेकिन आउटसाइड देखें तो हल्की सी कम मिलती है. जब आप बिल्कुल ही धूप में या बिल्कुल ब्राइटेस्ट एरिया में बैठे हैं तो आपको हल्की सी कम देखने को मिलेगी. इसकी जो डिस्प्ले है वो है 15.6 फुल HD डिस्प्ले, जो कि IPS लेवल पैनल के साथ आती है. 250 निट्स ब्राइटनेस के साथ आपको इसमें मिल जाता है 45% NTSC.
और ये लैपटॉप आता है 144 हर्ट्स रिफ्रेश रेट के साथ। इसकी जो डिस्प्ले है वो आती है 16 हर्ट्स के साथ, और जो आता है इसका रिफ्रेश रेट वो है 144 हर्ट्स के साथ। ये कन्फ्यूजन बाकी चलता है कि इसकी डिस्प्ले ही 144 हर्ट्स है, नहीं इसकी डिस्प्ले 144 हर्ट्स नहीं है, इसका रिफ्रेश रेट 144 हर्ट्स है। डिस्प्ले एंड इसका रिफ्रेश रेट दोनों ही बेस्ट क्वालिटी दे रहे हैं। ये लैपटॉप ऑडियो क्वालिटी में, बेस में बेस्ट एक्सपीरियंस देता है। इसकी जो वॉल्यूम इतनी हाई नहीं है जितनी आप एक्सपेक्ट करते हैं, एवरेज है, पर लेकिन इसकी क्वालिटी एंड बेस शानदार। अब आते हैं इसके मेन फीचर पर। मेन फीचर मेरे लिए है कैमरा मैटर्स, दिखा देते हैं। इसका जो कैमरा है, कैमरा क्वालिटी ये देता है 1080p। 1080p का इसका फुल HD कैमरा है, जो कि प्राइवेसी शटर के साथ आता है। बहुत ही अच्छी चीज़ है, कितनी भी मीटिंग्स हो प्राइवेसी शटर लगाया दिक्कत ही नहीं कि कैमरा ऑन है कि ऑफ है। और साथ ही इसके कीबोर्ड बटन में फिजिकली कैमरा ऑन ऑफ एंड माइक्रोफोन ऑन ऑफ का बटन है। किसी भी मीटिंग में ज्वाइन हो दोनों को दबा दो, रेड लाइट ब्लिंक हो रही है, मतलब आपका माइक एंड कैमरा ऑटोमेटिकली म्यूट है। इसका बेस्ट फीचर मेरे को ये लगा, इसकी जो कैमरा क्वालिटी है बिल्कुल HD है, कहीं भी आपको कुछ भी शिकायत नहीं देने वाला इसका कैमरा। बात कर लेते हैं इसके बूटिंग स्पीड की। बटन दबाते ही आपका फिंगरप्रिंट ये पहले ही रीड कर चुका होता है। बटन दबाते ही 4 से 5 सेकेंड लेगा, 4 से 5 सेकेंड के अंदर आपको आपका डेस्कटॉप देखने को मिल जाएगा। अब इसके वर्क पर आ जाते हैं। वर्क एक्सपीरियंस में आपको ऑफिस वर्क, कॉलेज वर्क, एडिटिंग वर्क, वीडियो एडिटिंग, फोटो एडिटिंग, किसी भी तरीके की 3D मॉडलिंग कुछ भी कर लीजिए, सब आपको इसमें बेस्ट देखने को मिलेगा। मैंने इसमें कोडिंग की हुई है, कोडिंग में कोई दिक्कत नहीं आती। मेरा मेनली फोकस इसको लेने का था, मुझे भाई कोडिंग चाहिए, मशीन लर्निंग चाहिए, जो कि इसमें प्रॉपरली हो रही है। स्टूडेंट्स का डाउट है, डाउट होता है कि राइजन 5 250 RTX ये प्रोसेसर और ग्राफिक्स में अपना कोडिंग का काम हो पाएगा नहीं पाएगा। इसमें आपका कोडिंग का काम, वीडियो एडिटिंग आप 4K 30 FPS लेवल तक कर पाएंगे। मल्टीटास्किंग, कितनी भी टैब्स ओपन करके मल्टीटास्किंग कीजिए, कितनी भी सॉफ्टवेयर खोल के मल्टीटास्किंग कीजिए, बिल्कुल भी लगने को देखने को नहीं मिलेगा। बात कर लेते हैं इसकी बैटरी की, जो कि 3 सेल 50 वॉट आवर्स के साथ आती है, जो कि यूजली आपको 5 से 6 घंटे का बैटरी बैकअप दे देगी। चार्जर आपको दिखा देते हैं, जो कि है 120 वॉट का चार्जर, आपको 1 घंटे में पूरा लैपटॉप फुल चार्ज हो मिल जाएगा। हीटिंग इशू इसमें बिल्कुल भी देखने को नहीं मिला। हमें हल्का सा हीटिंग इशू जब देखने को मिला था, जब हमने इसमें हाई ग्राफिक्स गेमिंग खेला था, जो कि हल्का सा 1-2 डिग्री ऊपर गया था जो एक्सपेक्टेड होता है, जो तो इसको हम थर्मल में 7 out of 10 देना चाहेंगे। बहुत ही बेस्ट एक्सपीरियंस है गेमिंग भी इसमें। और इस लैपटॉप की जो खासियत है, इस प्राइस रेंज में आपको जितने भी लैपटॉप मिलेंगे इसका TGP 30, 40, 45 यही मिलेगा। 50 वॉट का TGP आता है इसमें। तो तारीफ तो बहुत कर ली लैपटॉप की, देखो भाई पर्सनल लैपटॉप है, नया लैपटॉप है, तारीफ तो बनती है। ऐसा नहीं कि मैं झूठी तारीफ कर रहा हूँ, जो जेन्युइन है वो बताया मैंने आपको। तो अब बात कर लेते हैं कंक्लूजन की, ये किसको लेना चाहिए किसको नहीं लेना चाहिए। तो पहले प्राइस की बात कर लेते हैं। तो ये है 2050 RTX ग्राफिक्स कार्ड, ये वेरियंट आपको 63,000 तक मिल रहा है, तो आप इसे बेझिझक ले लीजिए। सेल अभी आज चल रही है या आने वाली बिग बिलियन डे, जो भी फ्लिपकार्ट की सेल है, अमेजोन की सेल है, उसमें ये और भी ज़्यादा कम होने वाला है, तो आप इसको बिल्कुल ले सकते हैं। आपका कितना भी हैवी से हैवी टास्क है, अब मैं ये नहीं कह रहा जो गेमर है वो इसको रिकमेंड करें, नहीं, गेमर के लिए रिकमेंड नहीं है। आप गेमिंग एक्सपीरियंस थोड़ा सा कम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसमें, गेमिंग एक्सपीरियंस को छोड़ के आपका जितना भी वर्किंग एक्सपीरियंस है, अगर आप वर्किंग एक्सपीरियंस के लिए ले रहे हैं तो बेस्ट है। और बाकी अब बात कर लेते हैं ऑफलाइन लेना चाहिए ऑनलाइन लेना चाहिए। अगर आप ऑनलाइन लेंगे तो ऑनलाइन का देखो, मुझे तो इसमें सिर्फ दो एडवांटेज देख लेते हैं। एक तो आपको प्राइस कम मिल सकता है, सेल अभी चलेगी, प्राइस कम हो जाएंगे, और दूसरा एडवांटेज में माइक्रोसॉफ्ट 2021 प्री इंस्टॉल्ड आएगा परमानेंट। ऑफलाइन अगर आप लेंगे, ऑफलाइन में आपको कस्टमर सपोर्ट मिलेगा, कस्टमर सपोर्ट ऑफलाइन स्टोर वाले अच्छा देते हैं, माइक्रोसॉफ्ट इसमें परमानेंट नहीं मिलेगा। इसमें माइक्रोसॉफ्ट आता है 365, जो कि आप उनसे एक्टिवेट करा सकते हैं, वो आपको एक्टिवेट करके दे देंगे फ्रीली। बाकी आपको आपको एक्सेसरीज मिल जाएगी, बैग हो गया, बैग तो देखो आपको मिलेगा ही मिलेगा, और जो भी अगर वो प्रेफर करते हैं देना तो वो और एसेसरीज भी दे सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। ये लैपटॉप तो भाई मेरे को इतना पसंद आया ना, इसकी डिज़ाइन, इसका परफॉर्मेंस, इसका कैमरा, इसकी ऑडियो, इसका वर्किंग एक्सपीरियंस और स्मूथनेस एंड फास्टनेस, इस मेरे को इतनी प्यारी लगती है ना भाई। मैंने इस पर लगातार, मैं आपको बताऊं, मैंने अभी हैकाथॉन में पार्टिसिपेट लिया था, हमने इसमें 30 आवर्स कंटिन्यूस काम किया है, 30 आवर्स कंटिन्यूस इसके अंदर काम नहीं किया, वैसे काम किया। अगर मैं इसको बताऊं कि अगर मैं इसको लेके कितनी देर बैठा हूँ कंटिन्यूस, मैं 4 से 5 घंटे कंटिन्यूस काम किया है। बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस रहता है, विदाउट लैग, विदाउट हीटिंग इशू, मस्त काम करता है। रिफ्रेश रेट को लेकर बिल्कुल भी टेंशन ना लें, 144 हर्ट्स बताते हैं, बढ़िया काम करता है। स्क्रीन टच एक्सपीरियंस, वर्किंग एक्सपीरियंस मस्त है, तो मैं तो रिकमेंड करूँगा इसे लो भाई,
Vivo Pro 15 मेरा है, Ryzen 5 5600 H सीरीज का एंड 2050 RTX। इससे ऊपर भी वेरिएंट आते हैं, 3050 RTX आता है, मेरे को उसकी नीड नहीं थी बिल्कुल, इतने में सारा काम हो जाता है। Ryzen 7 5000 सीरीज की भी मेरे को नीड नहीं थी, Ryzen 5 5000 सीरीज में भी सारा काम हो जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, जो भी आपके डाउट हैं कमेंट में पूछना, सबका आंसर मिलेगा। किसी भी तरीके की कन्फ्यूजन हो वो पूछ लेना, ये मत कहना कि वीडियो में कुछ गलत बता दिया, गलत कुछ नहीं बताया गया, कुछ भी मिसलीड होता है वो कमेंट में क्लियर हो जाएगा। सो आज के लिए थैंक यू, और आवाज़ को इग्नोर कर दीजिएगा, मेरा गला ठीक नहीं है, अभी ही थोड़ा ठीक हुआ है तो इतनी सुनने को मिल रही है, वरना बिल्कुल नहीं मिल रही थी। तो जय श्री राम सभी को, बाय।